क्या यार, एक्स ने और ते क्लबिंग करा की हाउस पार्टी मनी नाल पूछदा। हेलो, अलग क्या ना, क्या प्रॉब्लम? क्या मतलब है? मैं तुझे हमेशा प्रॉब्लम के अंदर कॉल करता हूँ। इसमें कौन सा शक करना? ए बकवास बंद कर। और ये दस, कितना न्यू ईयर तक की प्लान है तेरा? इस न्यू ईयर में सोच रहा हूँ कि मैं अप्पा और अम्मा के साथ कहीं जाऊँ। मतलब इस बार भी तेरा न्यू ईयर तेरी तरह बोरिंग होने वाला है? वैसे आपका न्यू ईयर का क्या रेजोल्यूशन है इस बार? ये साल तो तेरा अच्छा है। मैं सोच रहा हूँ 31 के बाद ना पीना छोड़ दूँ यार। अगले साल क्लीन। उससे क्या होगी? उससे क्या होगी? उससे मेरा लीवर बचेगा और पैसे बचेंगे। ऐसा रेजोल्यूशन आप पिछले 3 साल से बना रहा है। एक को बनाता है, दो को खुद ही तोड़ देता है। और लेकिन मैं ट्राई तो करता हूँ ना, एक दिन के लिए ही सही। तू बता क्या करूँ फिर? ऐसा रेजोल्यूशन बनाना है तो पहो का बनाओ। उससे क्या होगा कि जब आप एक को रेजोल्यूशन बनाओगे तो दो को टूटेगा नहीं। एक तो ना तेरी इनडायरेक्ट बातें ना मैंने समझ नहीं आती। मैनू ठीक ठीक दस करना की है। वट अन्ना, ये सब जानते हैं कि छोड़ने का रेजोल्यूशन तुमसे होगा नहीं। उससे बेटर क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का रेजोल्यूशन लो। वो कैसे? सिंपल अन्ना, एक बात बताने का कि आप अपने बैचलर पार्टी पे कितना पैसा स्पेंड करता है। ओ यार, मिनिमम तो मिनिमम 5,000 तो है ही। तो सोचो वही 5,000 से आप डिफेंस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। और म्यूचुअल फंड्स तो 500 रुपए से शुरू हो जाता है। हाँ, 100 रुपए? यस यस, एक रेजोल्यूशन तो ये हुआ। और दूसरा रेजोल्यूशन इंश्योरेंस। बाबा तुमको भी इंश्योरेंस लेना मांगता ना। योर लाइफ इज वेरी प्रेशियस अन्ना, गेट इट।